वेदर भी सुबह के 6 बजे है और आज अपनी संडे राइड में मौजूद हूँ। लेट 6 बजे मैंने अपने घर से निकलना था जनकपुर वेस्ट के लिए और 7 AM जा रही है। मेरा फ्रेंड वहाँ पे वेट कर रहा है मेट्रो स्टेशन के नीचे, जिसके बाद से ड्यूज। और आज अपन लोग जा रहे हैं अपनी एक्टिवा 125 को लेके संडे राइड में। सब पेट्रोल भी नहीं, पेट्रोल भी डलवाना है, सो वहीं पर ही पंप है, वहाँ से पेट्रोल भी डलवा लेंगे और इंट्रो आगे जाके करता हूँ क्योंकि भी लेट हो चुका है। जनकपुर से पेट्रोल भरवा लिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वेस्ट मेट्रो स्टेशन के लिए। सो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं अपना फ्रेंड आया नहीं आया। वैसे तो उसने मेरे को बोला था कि 5 मिनट बाद निकली अपने घर से, बिकॉज मैंने पेट्रोल भी भरवाना था तो मैं 5 मिनट पहले ही निकल गया। सो पेट्रोल वगैरह भरवा लिया है और अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, देखते हैं आया नहीं आया। वैसे सामने ही है मेट्रो स्टेशन, एक बार चल के देखते हैं आया कि नहीं आया, बाकी उसको मैसेज वगैरह करते हैं फिर उससे पूछते भाई कहाँ पर है। और आज बड़े टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ संडे राइड पर यार स्कूटी लेके जा रहा हूँ, बाइक अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई वो आपको थोड़ा सा ब्लॉग में आगे बताऊँगा, ठीक है? तो कहीं भी स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर और नए हो यहाँ पे, वीडियो को कर लो लाइक। सो गाइस यही तो है मेट्रो स्टेशन, तो हाँ बेस्ट है। सो यहाँ पे रुकते हैं और एक बार इसको मैसेज करके पूछते हैं कि भाई कहाँ पर है। सो गाइस अभी फ़ोन आया था अपने फ्रेंड का, सो वो अपोजिट साइड खड़ा था और मैं इस तरफ खड़ा हूँ। सो उसका फ़ोन करा, वो इस तरफ आ रहा है, उसने ये बोला कि इस तरफ से जाएंगे, बाकी बाइक बाइक बाइक। राइडर जा रहे हैं लोग भी। सो यहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी है और वो देखो वो आ गया अपना दोस्त, वो उधर देख रहा है। सो वो इस तरफ से आ रहा है, अपन लोग इस तरफ से जाएंगे, इधर से पता नहीं कौन सा रूट जाता है, देखते हैं। तो यार बाइक क्रैकलिंग कितनी कर रही है। सो भाई हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कम से कम 7 बज गए निकला था, तो भाई मैं बहुत पहले गाऊँ, बाइक चेक करो बाकी आप लोग। और अपना एक पार्टनर बिछड़ गया यार, वो इतनी भगाने लग गया, उसको पता भाई मैं स्कूटी लेकर आया हूँ, वो आगे कहीं यहाँ पहुँच तो गया। और भाई भीड़ यहीं से मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रही है पहले से ही, वो भाई यहाँ तो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। गाइस जहाँ पे पहुँच गए हैं और भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, ये रिप्लेस स्कूटी है अपना ड्यू कॉल ऑफ ब्रदर। तो देखो यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड घूम रहे हैं, क्या चीज ड्राइवर हुई नहीं यार, कर कर मैं भी मारूंगा अभी कर कर। तो भाई लगी नहीं उधर सही वगैरह चल रहा है, बिजली वगैरह हाँ। पूरा धुआं धुआं कर दिया,
और उधर पूरा विली गेम चल रहा है भाई, जिसको देख लो भाई, इतनी तगड़ी विली स्टॉपिंग चल रही है ना। ये देखो हनी है सामने ड्यूक 390 में। अभी विली भाई बहुत तगड़ी स्पीड में बंदा विली कंट्रोल कर रहा है। यहाँ सिमर भी आ गया। एक बार अपन भी ट्राई मारते एक दो विली। वो देखो भाई पीछे विली गेम। चल अपन भी निकालते एक दो विली मारते अपन भी। मैंने भी करे, मतलब ज़्यादा परफेक्ट वाली विली तो नहीं लगी। खैर यहाँ पे और भी तगड़े प्रोफेशनल आ रखे थे, आपने उनको रील्स में भी देखा होगा। सो बाकी प्रैक्टिस कर रहे अपन भी, धीरे धीरे अपन भी हो जाएंगे प्रोफेशनल। बाकी आपको वीडियो में सीन दिख गया होगा। सो अभी अपन लोग यहाँ से जा रहे हैं, देखते हैं राइडर्स पेड जैसे तो कैफे पर नोट। अब वो उधर से आएगा और बाकी पीछे 24/7 वाला क्या सीन था, मज़ा आ गया मेरे को देख के। आपको नहीं आया, आपको आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या तगड़े तगड़े स्टंट मार रहे थे, एकदम प्रोफेशनल बंदे थे, जिसमें कुछ अपने को जानते भी थे। सो तगड़े स्टंट कर रहे थे। अब मेरे को इतना ज़्यादा भी ना, हफ्ते से मैंने ना प्रैक्टिस छोड़ रखी है विली की, नहीं तो मैं भी अभी बहुत तगड़ी वाली विली मार देता। सो कोई नहीं, वापस अभी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम हफ्ता डेढ़ हफ्ता विली की प्रैक्टिस मारूंगा अच्छे से। और बाइक का अपडेट दूं तो, सो जो अपनी बाइक है 1.5 महीना हो चुका है शोरूम में खड़े खड़े। सो जो इंश्योरेंस वाला जिसने बाइक का क्लेम वगैरह देना है, सो उसका कहना ये है 1250 GS, सो उसका कहना ये है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि बाइक का एक्सीडेंट भी हुआ है, जबकि बाइक का एक्सीडेंट और वो मान नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मान रहा। तो मैंने उसको मेडिकल्स और एक्सीडेंट के फोटेज वगैरह भेजे तो जाके माना। और इस एक्सीडेंट में बाइक का जो अगला अलॉय था फ्रंट वाला, वो पूरा डैमेज हो चुका, मीन्स पूरा मुड़ गया। सब वो अगला अलॉय देने से ही मना कर रहा है, बताओ बाइक चलेगी कैसे। सो जो शोरूम वाला है वो अपने इंश्योरेंस वाला है HDFC का। भाई मेरे को तो सबसे बेकार इंश्योरेंस लगा HDFC एर्गो का, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। सो शोरूम वाले भी है जो, वो उनसे कांटेक्ट कर रहे, डेली रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई आप अगला अलॉय दो। अगला का मान के पिछला नहीं दे रहा, पिछले वाला भी डैमेज है। सो एक बार पिछला वाला मान जाए, आज बाइक के सारे पार्ट्स आ जाएंगे। सो होपफुली अपने बाइक, अपनी बाइक इस वीक शायद मिल जाए। अब अपनी बाइक में डालेंगे एक तगड़ा एग्जॉस्ट जो कि बहुत लाउड है, और मैंने सोच लिया कौन सा डालूँगा, वो अभी रिवील नहीं कर रहा मैं। एक तो फ्री फ्लो है, ऊपर से ये वाला हीट ज़्यादा करता है, और एवरेज तो ठीक ही देती है, मतलब जितनी स्टॉक में थी उससे 2-3 कम होगी खैर, पर ठीक है। जो भी सड़क पे जा रहा है उसको ज़बरदस्ती रोको पकड़ो, और उससे फ़ोन छीन के सब्सक्राइब कराओ, कैसे भी कराओ, मेरे सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, मेरे 2 के सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। फिर देखते हैं कुछ 2 के भी स्पेशल करते हैं, देखो क्या होता है। 2 के सब्सक्राइबर्स पे अपनी बाइक आ जाए ठीक हो के, या तो उसमें एग्जॉस्ट जल जाए, कुछ तो करेंगे लेकिन तगड़ा करेंगे। सो आप लोगों के हाथ में है सब्सक्राइब बटन, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो।